हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, मैंने आपको तारागढ़ की पहाड़ी पर बने किले का इतिहास और वहां पर बने जो दरगाह की ज़ियारत कराई है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं यहां पहुंचा हूं अभी अढ़ाई दिन के झोपड़े के पास में। और आज जानेंगे कि अढ़ाई दिन का झोपड़े का नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा ही क्यों पड़ा। और चलते हैं सीधा अढ़ाई दिन झोपड़े के अंदर। असल में यह कोई झोपड़ा नहीं है, बल्कि एक मस्जिद है जो सैकड़ों साल पुरानी है। यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है और अजमेर का सबसे पुराना स्मारक है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मस्जिद का नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा ही क्यों पड़ा। तो चलिए इसके इतिहास के बारे में आपको बता दें, जो करीब 800 साल पुराना है। ये इसका मेन एंट्री गेट है जिस पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा 1192 ईस्वी में अफगान सेनापति मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। असल में इस जगह पर एक बहुत बड़ा संस्कृत विद्यालय और मंदिर हुआ करता था, जिन्हें तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया था, ऐसा बोला जाता है। अढ़ाई दिन के झोपड़े के मुख्य द्वार के बाईं ओर, अभी मैंने आपको दिखाया, संगमरमर का एक बना शिला लेख है जिस पर संस्कृत में उस विद्यालय का जिक्र किया गया है। अढ़ाई दिन के झोपड़े का आधा से ज़्यादा हिस्सा मंदिर होने के कारण यह अंदर से मस्जिद ना लगकर किसी मंदिर की तरह ही दिखाई देता है। हालांकि जो नई दीवारें बनवाई गई हैं उन पर कुरान की आयतें ज़रूर लिखी गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि यह एक मस्जिद है, मंदिर नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद को बनने में 2.5 दिन यानी मात्र 60 घंटे का समय लगा था, इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाने लगा। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि यहां चलने वाले 2.5 दिन के उर्स यानी मेला, जो पंजाब शाह का उर्स होता था, इसके कारण से वो अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम पड़ा था। यहां भारतीय शैली में अलंकृत स्तंभों का प्रयोग किया गया है, जिनके ऊपर छत का निर्माण किया गया है। मस्जिद के प्रत्येक कोने में चक्राकार एवं बांसुरी के आकार की मीनारें निर्मित हैं। 90 के दशक में ऐसा बताते हैं कि इस मस्जिद के आंगन में कई देवी देवताओं की मूर्तियां जो हैं यहां वहां बिखरी हुई पड़ी थी, जिसे बाद में सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया है, जिसे आज सोनी जी की नसियाँ कहते हैं। वहाँ के म्यूज़ियम में आज भी ये मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। ये भारत की सबसे प्राचीन इस्लामी मस्जिदों में शुमार है, या यूं कहें कि ये भारत की दूसरी मस्जिद है। भारत की सबसे पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद है, जो केरल में बना हुआ है। अढ़ाई दिन के बाद सबसे पहली मस्जिद वही है। इस मस्जिद में कुल 70 स्तंभ हैं। असल में ये स्तंभ उन मंदिरों के हैं जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन स्तंभों को वैसे ही रहने दिया गया था। इन स्तंभों की ऊंचाई करीब 25 फीट है और स्तंभ पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। अगर आप अढ़ाई दिन का झोपड़ा घूमना चाहते हैं तो आसानी से घूम सकते हैं। यहां आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच कभी भी घूमने के लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि यहां घूमने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लगता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा के आसपास
में मौजूद अजमेर शरीफ की मज़ार, आना सागर झील और नरेली के जैन मंदिर जैसी बेहतरीन जगहों पर घूमने जा सकते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा तक पहुंचना बहुत ही आसान है। इसके लिए देश के किसी भी कोने से अजमेर रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से टैक्सी या कैब लेकर आप यहां घूमने के लिए जा सकते हैं। सबसे पास में किशनगढ़ हवाई अड्डा है, यहां से भी टैक्सी या कैब लेकर अढ़ाई दिन का झोपड़ा घूमने जा सकते हैं। और हाँ, YouTube की तरफ से एक ज़रूरी सूचना है। YouTube कहता है कि अपने दर्शकों को बार बार ये याद दिलाते रहें कि अगर वो अपने धर्म और इतिहास से जुड़े रहने चाहते हैं और ऐसी ही वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको जल्दी से उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।